जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज का जो मैं उपाय लेके उन बच्चों के लिए लेके जिनके विवाह में अड़चनें आ रही हैं। रिश्ते की बात आती है मगर बात नहीं बनती, संजोग बनते बनते बिगड़ जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि क्यों ऐसा हो गया। बच्चों इतने मासूम होते हैं, उनके अंदर इतनी मासूमियत होती है, और जब उनको पता है, कभी तो ये लगता है ना, शादी शादी क्या, वो तो कभी भी हो जाएगी, कैसे भी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, शादी में क्या होता है, कुछ नहीं। मगर जब हाँ शादी की बात चल रही होती है और रिश्ते आते आते दरवाजे से चले जाते हैं, बात बनती नहीं है, रिश्ते पक्के ही नहीं हो पाते, तब कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ना जाने शादी में इतनी देरी होती है, शादी में भी विलंब होता है, शादी में भी रुकावटें होती हैं। हम तो अभी तक सोचते थे यूं ही शादी हो जाती है जल्दी, बस कोई देखने आया और रिश्ते की बात हुई, पक्के हो गए और रिश्ता हो गया और शादी हो गई। नहीं, शादी में भी विलंब होता है, बहुत परेशानियां कठिनाई आती है, एक अच्छा जीवन साथी मिलना और अच्छे घर में विवाह होना, अच्छा अच्छी वधू मिल पाना, अच्छे जीवन साथी मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इतने जीवन में कष्ट और तकलीफें हो जाती हैं, इसकी वजह से माँ बाप भी बड़े ही मायूस से हो जाते हैं, और बच्चे तो खास तौर से, और खास तौर से लड़कियां बहुत ही नाजुक सी होती है ना, उनको बहुत ज्यादा जल्दी प्रभाव पड़ता है। लड़कों को भी होता है मगर लड़कियां ज्यादा दिल से लगा लेती हैं। शादी में विलंब आ जाता है, कई कठिनाइयां कई परेशानियां हो जाती हैं, बच्चे मायूस होने लगते हैं, खुश नहीं रहते हैं, उन्हें लगता है ना जाने हमें ऐसी क्या कमी है कि रिश्ता आया और आके चला गया, रिश्ते की बात बनी नहीं, विवाह पक्का ही नहीं हुआ, हमें ही शायद कुछ कमी है। मगर ऐसा नहीं है, कमी हमें कुछ नहीं होती, हमारी कुछ कुंडली दोष में कमी होती है। कुंडली में कुछ ग्रह नक्षत्र कुछ दोष होते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है, तो हमें उन कुंडली दोषों के बारे में जानकारी अवश्य रखनी। सबसे पहले तो किसी भी रिश्ते की बात अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप सबसे सर्वप्रथम अपनी कुंडली में जो भी आपकी परेशानी है आप उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसी से संबंधित आप उपाय करिए। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में आपके बच्चे के जीवन में जो भी विवाह संबंधी अड़चने आ रही वो अवश्य दूर होंगी, तो आप इस तरह से ही संबंधित उपाय को करिए। तो आज का जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उन बच्चों के लिए बताने जा रही हूँ जिनकी कुंडली में खास उसे बृहस्पति बहुत ही नीच कोटि का है, गुरु बहुत नीच कोटि का है, विवाह में अड़चने आ रही है, व्यापार में अड़चने आ रही है, अगर बच्चे नौकरी के लिए जाते तो नौकरी भी नहीं मिल रही है, रिश्ते आते हैं और आते आते बात बनती नहीं बिगड़ जाती है, संजोग बनी नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सा अचूक सा उपाय है, माता पिता भी कर सकते हैं बच्चे के लिए, अगर बच्चे करना चाहे तो बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं, मगर हाँ कोई भी उपाय कीजिए विश्वास के साथ कीजिए। आपने करना क्या है, किसी भी गुरुवार किसी भी बृहस्पतिवार को आप ये कर सकते हैं, संभव हो तो आप शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को कीजिए, थर्सडे जिसे बोलते हैं, ठीक है, आपने बृहस्पतिवार के दिन पहले बृहस्पतिवार के दिन ही करना है, शुक्ल पक्ष के कोई भी शुक्ल पक्ष हो उसका पहला जो गुरुवार हो तब करिए, और अगर आपको ज्यादा जल्दी तब किसी भी गुरुवार को ये कार्य कर सकते हैं। आपने करना क्या, नहा धो के स्वच्छ हो जाइए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि अगर विवाह संबंधी अड़चने हैं और आपका बृहस्पति अगर नीच कोटि का है, अगर गुरु नीच कोटि का है, तो आपने नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल के अवश्य नहाना है, ठीक है। मैं बताती हूँ कि अगर सर से पानी नहीं डालना है, या आम जो स्त्रियां होती हैं शादी के बाद सर नहीं धोना चाहिए गुरुवार के दिन, मगर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है या जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें उस दिन खास तौर से वीरवार के दिन गुरुवार के दिन पानी में हल्दी डाल के अपने सर से पूरा पानी डाल के धोना है, नहाना है, ठीक है, पूरा आप नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, पीले वस्त्र हो सके तो आप पीले वस्त्र ही गुरुवार के दिन पहने तो बहुत अच्छा है। अब आप आसन ले लीजिए, अपने मंदिर के समक्ष बैठ जाइए, आप जो भी इष्ट देव को मानते हैं आप उन्हें मानिए, और जोत आपने अवश्य प्रज्वलित करनी है। आपने क्या लाना है, 5 लक्ष्मी हल्दी लेनी है आपने, जो पीली वाली हल्दी होती है एक थोड़ी लंबी होती है उसी में थोड़ी छोटी छोटी सी हल्दी होती है सुपारी की तरह, लक्ष्मी हल्दी आप पीली हल्दी ले लीजिए जो होती है, नॉर्मली आप जानते होंगे मिल जाएगी आपको कहीं पे भी, बहुत सस्ती होती है, साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5 हल्दी की गांठ लेनी है आपने, और आपको एक लाल कपड़ा चाहिए या पीला कपड़ा, अगर रेशमी कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं संभव है तो आप सूती कपड़ा ही ले लेना, पीला या तो आपको लाल चाहिए। आप मंदिर में अपने समक्ष भगवान के समक्ष बैठिए, अपने इष्ट देव को मनाइए, आपके पास अगर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो या तस्वीर या मूर्त है तो आप उनके सामने अपने विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है या आपके बच्चों के विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है आपने वह प्रार्थना करनी है, और वहां पे आपने वह कपड़ा बिछा के वह हल्दी जो 5 आपने ली थी अपने बच्चे के जीवन की जो भी अड़चने है उसको बोलते हुए, आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने आ रही है उसको दूर करते हुए आपने प्रार्थना करनी है, और वो हल्दी आपने भगवान के चरणों में रख देनी है।
अब आपने करना क्या है, अगर आप स्वयं कर रहे हैं या माँ कर रही है तो विष्णु सहस्त्र का जो पाठ होता है वो आपने अवश्य करना है। ठीक है, आपने हल्दी मही रख दी भगवान के चरणों में, अब आपने विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ होता है वो आपने अवश्य करना है और 108 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वह उठा लेनी है वहां से भगवान के चरणों के पास से और उसको गांठ बांध लेनी है कपड़े में और आपके बच्चे की अलमारी में संभव हो तो वहां रख दीजिए। अगर बच्चा ऑफिस के लिए जाता है कोई बैग या पर्स रखता है तो आप उसमें रख दीजिए, तो इसमें वो बच्चे से अटैच हो, या बच्चा जहां से होता है उसके तकिए के नीचे रख दीजिए, उसके स्टडी टेबल में रख दीजिए, जो भी हो बच्चे से कनेक्टेड किसी भी जगह पे आप रख दीजिए। आप ये उपाय करके देखिए, उसका जो बृहस्पति है जो नीच कोटि का वो उच्च कोटि का होगा, गुरु की कृपा से जो बृहस्पति उसका खराब चल रहा है श्री गति विवाह होगा। आप ये उपाय छोटा सा करिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि गुरुवार के दिन जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उसे तेल साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खाने में संभव हो सके तो पीली वस्तु की चीजें ज्यादा खाएं और हल्दी और वो दही से मिला के तिलक वीरवार के दिन अवश्य लगाए। वस्त्र में अगर पीले वस्त्र पहन सकते हैं लड़कियां तो पहन ले, दुपट्टा जैसे एक पीला पूरे दिन रख ले, अगर लड़के हैं नहीं पीला कुछ पहन सकते तो एक रुमाल जैसा हैंकी ही अपने पर्स में या तो अपने पॉकेट में रख ले या अपने बैग में जैसे अगर जॉब के लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे से उपाय आप करके देखिए, बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है, मगर हाँ इन उपाय को करने से कहना आपके जीवन का जो भी बृहस्पति अगर नीच कोटि का वो अवश्य दूर हो। और एक ये भी उपाय कर सकते हैं, आप केले के वृक्ष में अवश्य जल चढ़ाएं, ठीक है, अगर बृहस्पति नीच कोटि का है आप। और ऐसा भी कर सकते हैं चने की दाल, चने की दाल एक मुट्ठी आप रात को भिगो दीजिए और सुबह आप गुरुवार के दिन इन्हें पक्षियों को डाल दीजिए। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान से ये उपाय, इससे आपको पुण्य भी मिलेगा। अब मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के अद्भुत अनोखे उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण दोस्तों।